नीचे हो जाओ। थ्रू किया गया, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये हमारा जो मेन पैकेज है, जो 200 किलोमीटर लंबी हमारी सड़क बन रही है अखनूर से लेके पुंछ तक, हमारी तरफ से ये पुंछ का जो सामरिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है, और इसका इस क्षेत्र के लिए, इसके आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है हमारे, इसमें 4 टनल है जो कि एक तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है, और दूसरा कि समय और ड्राइविंग स्पीड दोनों को इम्प्रूव करती है। मतलब समय कम लगता है और ड्राइविंग स्पीड आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है, और बड़े एक्सल वाले बड़े गाड़ियाँ भी इसमें आसानी से चल सकती हैं। तो इससे दोनों दृष्टिकोण, जो सामरिक दृष्टिकोण है और जो आर्थिक दृष्टिकोण है क्षेत्र के विकास के लिए, दोनों की तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ बात रही इसी टनल की, ये 2.79 किलोमीटर लंबा टनल है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी और DRO ने जो मिल करके इसको इतने समय से इसका ब्रेक थ्रू अभी किया है, और शीघ्र ही मैं कह सकता हूँ कि ये समय के साथ साथ इस साल के अंदर ही ये संपन्न हो जाएगा। सर, रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है ये टनल? रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है ये टनल? देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि ये जो हम जिस इलाके में हम खड़े हैं, ये हमारा जो पड़ोसी देश है, ये इसकी कई बार यहाँ पर उसकी नापाक इरादे रहे हैं, और ये टेररिज्म को भी इस एरिया में काफ़ी सपोर्ट करता है। तो ये तो भारतवासी सभी जानते हैं कि सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस से, ये पूरा जो पुंछ, रजौरी, अखनूर, जम्मू का जो इलाका है, ये हमारे लिए बहुत ही आर्मी की तरफ से और डिफेंस की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्षेत्र में दोनों, जब हम सामरिक दृष्टि से एक अच्छी कनेक्टिविटी देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक है कि हमारे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही में जब रोड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, ज़्यादा लोग आएंगे, विकास होगा, लोग अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर के इधर आएंगे, और सड़क की कनेक्टिविटी से आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास से जो यहाँ जन समुदाय होता है उसमें भी विकास होता है। तो ये दोनों दृष्टिकोण से मैं ये आज के जो ब्रेक थ्रू है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। सर, इस राष्ट्रमार्ग में सर और भी बड़ी सारी टनल हैं, सर उसमें थोड़ी सी प्रकाश करिए। देखिए, इस जो मैं आपको बता रहा था, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि 200 किलोमीटर लंबा जो ये अखनूर पुंछ का जो रोड है, इसमें 4 टनल है। जो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले कांडी टनल है जो 260 मीटर्स का है, फिर उसके बाद में ये सुंगल टनल है जो अभी आप देख रहे हैं 2.79 किलोमीटर है, बहुत ही लंबा टनल है, और फिर उसके बाद में आपका नौशेरा टनल है जो जनवरी में जिसका ब्रेक थ्रू हुआ था, वो 700 मीटर लंबा टनल है, वो भी इसी साल हम संपन्न करने वाले हैं, और लास्ट में जब हम बिम्बर गली की तरफ आते हैं तो वहाँ पर एक 1.1 किलोमीटर का टनल है जिसका अभी प्लानिंग काफ़ी आगे तक चला है, और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं मानूँ तो इन टनल से और रोड की वाइडनिंग से, जो ये 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 200 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, पहले हम इसको 7 या 8 घंटे में करते थे, और अभी जब आप देखेंगे तो ये 4 से 5 घंटे में इसकी इसकी दूरी तय हो जाएगी। तो अमूमन ये कह सकते हैं कि कोई अगर सुबह शुरू करे तो पुंछ तक जा करके अपना काम खत्म करके दोबारा वापस अखनूर तक, आराम से अखनूर से जम्मू तक आराम से आ सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन है, जो हम एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट पुंछ का जो एरिया है, इसको हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं। सर, BRO को टास्क दिया गया था अमरनाथ यात्रा के लिए, वहाँ पर कितना काम हो चुका है? देखिए, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैं बल्टल से आ रहा हूँ, और वहाँ पर पिछले साल आप लोग गए होंगे, आपने देखा होगा कि जो वाइडनिंग ऑफ ट्रैक्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, कि जो यात्रीगण थे जो तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं, उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। तो दो चीज़ें हमने की, एक तो वाइडन किया है, जो रोड सरफेस है उसके ऊपर हमने इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स लगाए हैं, जिससे कि सरफेस जो है चलने के लिए
पोनीस के लिए बहुत आसान बने, जो भी जाना चाहे, बुजुर्ग भी जाना चाहेंगे तो उसमें जाने के लिए आसान हो जाए, ज़्यादा इसमें मोड़ और ज़्यादा तीव्र स्लोप ना हो, ये हमने देखा है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने रेलिंग्स पूरी तरफ हमने डाली हैं और साइड वॉल्स में हमने काफ़ी काम किया है, जैसे मैगमेंट्स बने, प्रेस वॉल्स बने, जैसे कि जो पत्थर आते हैं ऊपर से वो ना आए, और जो पानी का प्रॉब्लम था वो भी हमने ड्रेन्स बनाई, जिससे कि जो ट्रैक है चलने के लिए उसमें आपको कोई जिसमें आपको उसकी चलने की सुविधा हो। सर, जो पूरे भारत में बीआरओ की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, सर उस पर थोड़ी सी प्रकाश डालें। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये जहाँ पर सामरिक दृष्टि से और जहाँ पर बॉर्डर का जो एरिया है, जो दुर्गम एरिया है, जहाँ पर कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर वेदर मौसम का एक खेल होता है, जहाँ पर साल में आप 6 महीने ही काम कर सकते हो, कट ऑफ रहते हो, और जहाँ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंसिटिव इलाके हैं, इन सब एरियाज में बॉर्डर रोड्स मैं मानता हूँ कि ये हमारी एजेंसी ऑफ चॉइस बन गई है, कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ये हमें हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि ये सारी प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ रही हैं, बड़े इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स चल रही हैं। आपने अभी पढ़ा होगा कि जो नीमू पदम दारचा का जो थर्ड कनेक्टिविटी है लेह के क्षेत्र के लिए, एक मनाली की तरफ से जाता है और एक जो स्टैंडर्ड हमारा श्रीनगर की तरफ से जोजिलम और अमरनाथ के जो ट्रैक्स हैं, ये यहाँ पर हमारे पास में है। सिक्किम में हाल ही में जो क्षति पहुँची है ग्लेशियर आउटबर्स्ट के कारण, उसमें पूरा जो कनेक्टिविटी है, मैं बहुत खुशी से कह सकता हूँ कि वो लाइट व्हीकल के लिए नदन सिक्किम में चुमथांग के आगे पूरी कनेक्टिविटी बहाल हो गई है और हम शीघ्र ही पूरी कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार हैं। और उससे अगर हम ईस्ट में जाएं तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो फ्रंटियर हाईवे का प्रोजेक्ट है, उसमें से जो तकरीबन 1800 किलोमीटर है, उसमें से तकरीबन 600 किलोमीटर जो है बॉर्डर रोड्स के पास में उसका काम दिया है। और उसके नीचे अगर हम जाएं तो जो इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंस है, उसमें भी बॉर्डर रोड्स का काम अभी शुरू हो गया है। और मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ मेनलैंड में ही नहीं, हमारी जो फुटप्रिंट है, हमारे जो पगचिन्ह है, वो अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में भी हमारी एक टास्क फोर्स है जो जेटी बना रही है, रोड बनाया है नॉर्थ साउथ इंदिरा पॉइंट तक, जो हमारे देश का सबसे सदर्न मोस्ट लोकेशन है, उसके लिए कनेक्टिविटी और रोड बीआरओ ने बनाया है। तो अभी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही इनकरेजिंग टाइम है, और हम दोनों हाथों से और पूरे उमंग के साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए तैयार है। सर, नीचे में कोई नई सुगात देने जा रहे हो बीआरओ, बीआरओ की तरफ से कोई सुगात, कोई नई सुगात हो, सुगात मतलब कोई नया कोई प्रोजेक्ट हो बीआरओ की तरफ से ऐसा हम लोग के लिए? नहीं, ये सारी प्रोजेक्ट्स जो हम देख रहे हैं, आपने अभी देखा होगा कि जो सेला टनल है वो अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ था, उससे तवांग क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अभी हम हाल ही में शिंकुरला टनल ये इसको स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपने बताया, ये जो सेला टनल था ये देश का सबसे ऊंचा टनल था, जो तकरीबन 13,000 फीट की ऊंचाई पे था, पर जो हमारा अभी शिंकुरला टनल है ये 15,800 फीट के ऊपर है, और ये टनल जो है तकरीबन 4 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर जो इसकी लंबाई है, और 15,800 फुट पर दुनिया का सबसे ऊंचा टनल हो जाएगा। और ये हमारी जो टनलिंग की एक्सपीरियंस है, आज हम टनल के अंदर ही खड़े हैं, जो बॉर्डर रोड्स की जो टनलिंग में एक्सपीरियंस है, जो भी हमने काम किया है, उससे हम सीखते हैं। और इसमें जो हमने कठिनाइयां देखी हैं, इसमें जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, जो हम और भी अच्छा कर सकते थे, वो हम लेसन्स लर्न के तौर पर दूसरे टनल्स में हम ले रहे हैं। और मुझे बहुत उमंग है कि हमारे पास अच्छे, ये बहुत ही सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं। और ये जैसे आपने अच्छा सवाल पूछा
कि ये शिंकुला टनल जो है ये उसी जो सड़क में कह रहा था न्यू पदम दारचा, इसी को कनेक्टिविटी देगी और इससे पहली बार हमारे पास लद्दाख के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी इस तरफ से भी हो जाएगी थर्ड एक्सिस। सर जो जम्मू पुंछ जो रोड बन रहा है, रोड का काम लगा हुआ है सर, उस पर थोड़ा सा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पुंछ जो है सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी मतलब किसी से भी आप पूछें तो ये पुंछ का जो एरिया है ये हम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकली मानते हैं। दूसरी बात यह है कि इस एरिया में भी जिस तरह बाकी क्षेत्रों में डेवलपमेंट की जरूरत है, इसमें गवर्नमेंट ने ये बहाल किया है कि हमें यहाँ पर डेवलपमेंट लाना है। और जब हम सड़कें बनाते हैं, हम तो सड़क बनाते हैं, तो जब हम सड़क बनाते हैं तो उसमें दोनों बातें एक साथ हो जाती हैं। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे हमारी बॉडी में जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं, जो रक्त पेशियां हैं, उसमें अगर खून जाता है तो उसी तरह देश में सड़कें जो हैं ये आर्थिक विकास सामरिक दृष्टि से जो हमारी असलन है वो भी इसके अंदर ऊपर से जाती हैं और दोनों उद्देश्य पूरे हो जाते हैं।